हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ मैं आपका दोस्त, आपका भाई अजूब राम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आपको दिखाते हैं कि गांव की ज़िंदगी कैसी होती है और वो क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, गांव में इसी तरह के छोटे छोटे ट्यूबवेल लगाए जाते हैं जिससे फसलों को पानी दिया जाता है और गांव के लोगों की आमदन का ज़रिया खेती बाड़ी करना होता है, किसान का काम करते हैं। और दोस्तों, गांव की बात करें तो गांव के लोग मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। जिनकी अपनी ज़मीनें हैं वो अपने खेतों के अंदर काम करते हैं, फसल उगाते हैं और वहाँ से वो अपना घर चलाते हैं। और दूसरी तरफ गांव के लोग जो उनकी खेती में काम करते हैं वो जानवर वगैरह पालते हैं। आप देख रहे हैं कि वो जानवर पालते हैं, गाय, भैंसे, बकरियाँ और साथ में ज़मींदारों के खेतों में भी करते हैं काम। तो आज की ये वीडियो बड़ी दिलचस्प और अहम है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है गांव के हवाले से इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे कि गांव के लोग क्या क्या काम करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया कि गांव के लोग जो हैं फसल उगाते हैं, खेती का काम करते हैं, कुछ जानवर वगैरह पालते हैं जिसमें गाय, बकरियां, भैंसें और भी बहुत कुछ जो होता है इस तरह के। ये जानवर जो हैं, ये बकरियां हैं जो गांव के लोग पालते हैं, आला नस्ल के जानवर पालते हैं। साथ में मुख्तलिफ किस्म के और भी जानवर होते हैं जिसमें टेढ़ी नस्ल भी होती है। तो ये मेरे ख़्याल में मिक्स राजनपुरी जो है, ये बकरे और बकरियां हैं जो कि मंडी से लाई गई और मैंने जो है कैप्चर की। तो दोस्तों, गांव की बात करें तो गांव में साथ साथ ज़मीनों के साथ ही आप देख रहे हैं कि लीमू के बागात होते हैं, आम के बागात होते हैं जिनके अंदर ये काम करते हैं। और ये सिर्फ मुस्लिम ही नहीं करते, इस तरह के काम ज़्यादातर हिंदू भी करते हैं। और गांव के लोग जो हिंदू लोग हैं वो ज़्यादातर काम यही करते हैं, ज़मींदारों की जो चौधरी होते हैं उनकी खेती करते हैं और वो उनको आठवां दसवां हिस्सा देते हैं और साथ में जानवर भी पालते हैं। तो रेगिस्तान के लोगों की करें बात तो बड़ा मसला वहाँ पर पानी का होता है और इस तरह के छोटे छोटे नलके होते हैं जहाँ से वो खुद भी पानी पीते हैं और जानवरों को भी पिलाते हैं और ये काफ़ी दूर दूर होते हैं। आप देख रहे हैं कि बकरियों को किस तरह से ये नौजवान पानी पिला रहा है। तो पानी की किल्लत थर में हमेशा से रही है। आप देख रहे हैं ये रेगिस्तान का इलाका है जहाँ पर ये भाई बकरियों को पानी पिला रहा है। तो इस तरह के काम किए जाते हैं गांव के लोग जो रेगिस्तान में ज़्यादातर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो, आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, बाय।